अब जिनको खेल के माध्यम से अपना जिंदगी बनाना है वो बना सकता है, उसका सारा सुविधा किया गया है। अब आप बताइए आपको कैसे लगा? हम लोग तो खिलाड़ी, हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा, आप बताइए। बिहार बदलने के रास्ता में है, और मैं तो कहूँगा कि बदलने के रास्ते में भी नहीं है, बदल चुका है। अब हमको अपने मंजिल हासिल करना है, जो 2028-32 ओलंपिक्स पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। और ये आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया, वो भी राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन, बहुत बड़ा तोहफा है। इससे बड़ा तोहफा किसी भी खिलाड़ी को मिल नहीं सकता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन हो गया है, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें रविंद्र शंकरन सर है, सीधे सर से जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कैसा लगा? आप बताइए आपको कैसे लगा? हम लोग तो खिलाड़ी, हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा, आप बताइए। हमको भी अच्छा ही लग रहा है सर, लेकिन जैसे खिलाड़ियों को चाहिए था कि बिहार में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, उस हिसाब से ये पहला इंटरनेशनल बोल सकते हैं, क्या लग रहा है अब बिहार बदल रहा है? पूरा तरीके से खेल की दुनिया में बिहार बदलने के रास्ता में है, और मैं तो कहूँगा कि बदलने के रास्ते में भी नहीं है, बदल चुका है। अब हमको अपने मंजिल हासिल करना है, जो 2028-32 ओलंपिक्स पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। और ये आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया, वो भी राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन, बहुत बड़ा तोहफा है। इससे बड़ा तोहफा किसी भी खिलाड़ी को मिल नहीं सकता है। वुमेन्स हॉकी टीम आ रखी है यहाँ पे इंडिया की, ये कैसा लग रहा है कि पहले दिन इनॉग्रेशन हुआ और पहले दिन ही मैच इतने बड़े प्लेयर्स? देखिए, खास बात ये है, आज राष्ट्रीय खेल दिवस, और वो भी किन के नाम से मनाया जा रहा, मेजर ध्यानचंद। और ध्यानचंद हमारा भारत का हॉकी टीम का कैप्टन रहे हैं, और 3 ओलंपिक्स मेडल हमको दिए हैं, तो उन्हीं का मेमोरी में है। और इसलिए इंडियन हॉकी इंडिया से हम लोगों ने अनुरोध किया, तो इंडियन हॉकी टीम आकर के हम लोगों को ये यहाँ मैच खेल रहे हैं। इंडोर आउटडोर सभी तरीके की गेम्स यहाँ खेले जाएंगे, टोटल 24 गेम। क्या लग रहा है जिस तरीके का माहौल है, बिहार का मानसिकता बदलेगा? क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई में रहते हैं, IPS IAS बनना चाहते हैं, पर ये मैच अपने आप में जवाब दे रहा है। सही बात है, अब जिनको खेल के माध्यम से अपना ज़िंदगी बनाना है वो बना सकता है, उसका सारा सुविधा किया गया है। अब हमको मैच देखना है, मेरे को मैच देखने दीजिए। तो चलिए, देखिए मैच देखना है, मैच देखने दीजिए के साथ सर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनॉग्रेशन कर दिया, और अब बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात है, अगर बच्चों को खेलना चाहते हैं तो आपके लिए ये स्टेडियम है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।